Secretary MSME Government of India, Mr. Panda. Shri Jitendra Ji Gupta, Rashtriya Adhyaksh, Laghu Udyog Bharati. Shri Govind Ji Lele, Rashtriya Mahamantri, Laghu Udyog Bharati. Shri Om Prakashi Mittal, Nivartaman Adhyaksh, Laghu Udyog Bharati. Mr. Rajiv Swaroop, Additional Chief Secretary, MSME, Government of Rajasthan. Mr. Tarachand Ji Goyal, Pradesh Adhyaksh, Laghu Udyog Bharati. Mahendra Ji Khurana, Pradesh Mahamantri, Laghu Udyog Bharati. Shri Shakar Chandi Bagrecha, Laghu Udyog Bharati ke Palak Adhikari. Shri Bhagwati Prashad Ji Sharma, Rajasthan Chhetra Sanchalak. Shri Kunjilal Ji Meena, Commissioner Industries, Government of Rajasthan. Bhai Saab Prakash Ji. And Purnima Ji, who has come from the US to join us. It's a pleasure to have you here with us. और साथ में सब हमारे MSME के जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन सब का मैं यहाँ स्वागत करना चाहती हूँ। तो शुरुआत करने से पहले, अभी मेरे को मित्तल साहब बता रहे थे कि लघु उद्योग भारती ने अपने सब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने सेंटर्स बना लिए हैं, और आज के इस कार्यक्रम में 33 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं। जरा मेरे चश्मे देना वहां से। मेरे को खाली ये पता करना है कि 33 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, तो जरा थोड़ा सा हाथ ऊपर करके मेरे को दिखाएं तो सही, मालूम तो पड़ना चाहिए। हाँ चलो, मैं ऐसे ही उदयपुर, कितने, दो जन, ओके, हाँ हाँ उनको गिन लिया मैंने, तीन है वो, दो महिलाएं और एक है। ऑल राइट, बीकानेर, कोटा, तो आप ही बैठे हो तो इसलिए यहां कुछ कहने की जरूरत नहीं, वैसे कोटा, ओके ओके, भरतपुर, एक हाथ दिख रहा है मेरे को, एक दो तीन और ये, ओ वेल डन भरतपुर, अजमेर, अरे गलती हो गई, मैंने कैसे पूछा नहीं, महेंद्र पाटनी जी तो बैठे ही मेरे सामने, हाँ, और जोधपुर, ऑल राइट, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलो सिरोही से कौन है यहाँ, अच्छा नॉट बैड, मैं सोचा जालौर, तो फिर पाली पूछने से कोई मतलब नहीं, हाँ इसलिए क्योंकि वो सब पूरे के पूरे खड़े हो गए, देखो ना, मैंने इसलिए जब दो देख लिए कि ये हैं तो इसका मतलब पाली भी है, तो ऐसा नहीं कहना मेरे को। अच्छा चलो बूंदी बताओ, है कोई, नोट करते जाओ, बूंदी है कोई, ऐसे ही हाथ मत करना ऊपर, हाँ अच्छा चलो, तो अभी तक क्या कर रहे थे, सो रहे थे, दम से याद आ गया कि मैं बूंदी का हूं, हाँ, और 12, ऑल राइट, चलो फिर झालावाड़ का क्यों पूछूं मैं, क्योंकि आपके तो होंगे ही, झालावाड़ का है कोई, नहीं, ताराचंद जी नाउ एक्सपोर्ट हो गए, इज गॉन टू कोटा, नो नो नो, झालावाड़ में नहीं, और भाई साहब को मैं नहीं मार्क कर रही हूँ, बिकॉज नाउ पूरे राजस्थान के भीष्म पितामह के रूप में भाई साहब का काम हो रहा है, तो ही कांट से कि मैं झालावाड़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ। झालावाड़, झालावाड़ है कोई, मेरी तरफ मत कहना, मुझे मालूम था कि आप कहने वाले है कोई, ओके ऑल राइट, एटलीस्ट इज्जत रख ली, और नागौर वाला है कोई, अरे हाँ वो तो है, अरे आप ही हो फ्रंट रूम में, नहीं ना ना, नो ऐसे नहीं चलेगा कि आपको 300 साल पहले कहाँ आके बसे थे वो याद नहीं रहेगा। मैं इसलिए इसको पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भाई साहब इसको इसलिए कहा क्योंकि आपको याद होगा जब अपन ने इसको शुरू किया था तो दिल्ली के अंदर स्टेट्स आते थे
और राजस्थान और हर स्टेट के हेडक्वार्टर के ऊपर उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स रिप्रेजेंटेड होते थे। इस साल अपन लोगों ने सितंबर 17 को एमएसएमई डे, राजस्थान एमएसएमई डे अपन लोगों ने घोषित किया है। तो मेरा मानना यह है कि एक दिवस तो ऐसा होना चाहिए जब फुल टीम, दैट मीन्स सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष, वो सब लोग यहां आए, एक फुल हाउस हो, जिस फुल हाउस के अंदर जिस तरीके से अपन दिल्ली के अंदर करा करते थे उसी तरीके से उसका क्लोन अपन यहां करें। यहां आपका चीफ मिनिस्टर आए, आधे दिन का काम जो अपन पहले करा करते थे वहां आपको याद है, छोटी सी आशा के साथ शुरुआत होती थी, लैंप्स लगते थे, सब कुछ होता था, और फिर उसके बाद आपका फाइनेंस के लोग के साथ जो मंत्री हैं वो पूरों की बात सुने, हम लोग पूरे देश की सुना करते थे और बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था, एक दिन में हम लोग सब मैनेज कर ही लेते थे। आते थे लोग, आते थे सब लोग, स्पीकर्स होते थे, अपनी मुश्किल अपने सामने रखते थे, ऐसा नहीं कि सब लोग बोलते थे, 33 डिस्ट्रिक्ट का मतलब ही हुआ 33 रिप्रेजेंटेशंस अपने सामने आते और उसको फिर किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे वो हम लोगों ने उस समय दिल्ली के अंदर तो तुरंत ही करने की कोशिश की थी। यहाँ राजस्थान के अंदर भी अपने को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके तुरंत बाद एक महीने डेढ़ महीने के अंदर जो सॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री के बहुत ही एबल लीडरशिप के अंडर उन्होंने भी अब कॉन्फिडेंस जताने की कोशिश की है कि राजस्थान की जयपुर नहीं, अपने पूरे देश के अंदर ही क्या, हर स्टेट के अंदर जो काम दिल्ली के अंदर हो रहा है उसको ले जाके लास्ट डिस्ट्रिक्ट तक ले जाने की हम लोग कोशिश करें। और ये जो काम अपन कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं मानती हूं, ये मेरा बहुत बड़ा, मैं बार बार ये कहती थी, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे एक ऐसे वाइब्रेंट सेक्टर से और सेक्टर के साथ जुड़ के काम करने का मौका मिला, जिस चीज को मैं कभी समझ नहीं सकती थी, वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जाने का, हर प्रदेश के अंदर जाने का और उनके स्ट्रांग पॉइंट्स वीक पॉइंट्स वो देखने का, उसको समझने का मुझे एक मौका मिला था। मैं ये मानती हूं कि आज इंडस्ट्री का कोई बैकबोन है तो हमारी एमएसएमई है। नाउ पूर्णिमा जी, यू जस्ट कम फ्रॉम अमेरिका, द स्मॉल बिजनेस, what is it called, small business, no, it's the, you have a ministry there, the small business administrator, yeah, I had the pleasure of going there, I visited there and I thought to myself ki bhai America jaisi itni badi country mein sab bade bade industries honge। jab main mantri bani to sabse pehle main jab wahan daure pe gayi thi to us samay mere ko samajh mein aayi कि इतना बड़ा देश भी इस चीज को समझ गया है कि उसकी स्मॉल इंडस्ट्री अगर वाइब्रेंट नहीं है तो बड़ी कितनी भी वो लगा दे वो किसी भी हद तरीके से अपने नीचे के क्षेत्र को स्ट्रांग नहीं बना सकेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकेगा और अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकेगा, क्योंकि इसी के ऊपर ही बड़ी इंडस्ट्री बेस्ड है। और जिस देश में मैं गई, चाहे वो इटली था, चाहे वो यूके था, चाहे वो जर्मनी था, सब जगह पे मैंने ये देखा कि उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व अगर कहीं दिया तो अपनी स्मॉल इंडस्ट्रीज को दिया। इसको देखते हुए फर्स्ट मिनिस्ट्री बनी आपकी, अटल जी ने बनवाई और उसको इंपॉर्टेंस दी, हम लोग सबसे मुलाकात करने, मैंने इनकरेज किया जाता था कि आपको जाना चाहिए, इलाकों के अंदर दौरा करना चाहिए। और जो डेवलपमेंट मॉडल आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी आगे कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट मॉडल को हर देश, हर प्रदेश के अंदर हम लाएं और उसके द्वारा स्मॉल इंडस्ट्रीज तक पहुंचने की हम लोग कोशिश करें। मैं ये मानती हूं कि राजस्थान को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर ले जाना है तो एमएसएमई के बिना ये काम नहीं हो सकता है और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इसकी वकालत करती है।
कभी-कभी मेरे मन में आता भी है कि जितना एंजॉयमेंट मेरे को इसमें से आया शायद ही किसी मिनिस्ट्री से आया था. और कभी-कभी ये रिग्रेट होता है मेरे मन में कि जितना उस समय हम लोगों ने मिलकर काम किया और उसका फल देखने को मुझे मिला, उससे अलग होने के बाद जितना अटेंशन उसको देने की जरूरत है, आई एम गिल्टी परहैप्स ऑफ नॉट गिविंग इट दैट काइंड ऑफ अटेंशन. मेरी याद रह रह के आती रहती है और मैं विश्वास ये करती हूं कि हम सबको इसकी चिंता करनी चाहिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से मदद करने में ताकत अपनी लगानी चाहिए. मिस्टर पांडा, इट इज ट्रू दैट विद आफ्टर द जीएसटी दे आर वरिड, पर हमको भी व्यापक चिंता करने की जरूरत है. मैं समझती हूं कि स्मॉल इंडस्ट्री की इस तरीके की मीटिंग अगर होती है तो इनकी चिंता वैसे ही निकल के आ जाती है और वो समझ में आ जाती है. वंस इन अ ईयर दिस हैपेंस एंड हमको मालूम पड़ जाता है कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है. आज जीएसटी की वजह से अगर हमको करना है तो हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर करें और आप अपने लेवल पे हर स्टेट के अंदर करें या करवाएं वहां दिल्ली के अंदर, तो उसकी प्रॉब्लम्स एक मिनट में निकल के आती हैं और छनने के बाद एक्चुअली में इतनी बड़ी नहीं होती हैं. एक्चुअली में अगर उसके ऊपर ध्यान दे दें तो बहुत इजिली सॉल्वेबल भी हैं. सो आई थिंक दैट इट कैन बी डन, इट बेसिकली शुड बी डन. हम सबको व्यापक चिंता करने की जरूरत है कि आगे आने वाले समय के अंदर क्या है कि इज देयर सम काइंड ऑफ I wouldn't call it malfunction, but is there some kind of discrepancies between them, between the manufacturers maybe, salaried people maybe? Is there some kind of discrepancies which perhaps with a little bit of tweaking, we would be able to sort out? We need to look at it. हम लोगों को सेमिनार्स आयोजित करने की जरूरत है. इस समय तो हम लोग कर ही रहे हैं. और ये सब भ्रांति कैसे और कितने जल्दी दूर कर सकें वो देने की कोशिश हमें करनी है. मैं जब एक दफा दौरे पे गई थी और उसके बाद फिर हमने इस चीज को ऊपर जीएसटी काउंसिल में भिजवाया भी और साथ में मंत्री जी के सामने भी रखा, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि इसमें बहुत सारी चीजों को उन्होंने ध्यान में लेके और उनको रैशनलाइजेशन ऑफ रेट्स के द्वारा हमको मदद करने की कोशिश की. इनफैक्ट इज हेल्प द होल कंट्री, चाहे वो डायमेंशनल स्टोन्स के अंदर हों जो आप बात कर रहे थे, टाइल्स, यान, अनब्रांडेड नमकीन, स्टैचूज. अभी वो स्टैचूज के अंदर अपने को देखने की जरूरत है, बट जॉब वर्क इन टेक्सटाइल सेक्टर्स मे बी मोर, ऑल ऑफ दीज के अंदर हम लोगों को वकालत करने की जरूरत है. जीएसटी काउंसिल के अंदर बार बार इस चीज को रेज करने की जरूरत है और अपने जो लोग हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्री को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ लगातार बैठने की आपको जरूरत है. क्योंकि आज के दिन वो कुछ कठिनाइयों के अंदर से निकल रहे हैं. अच्छे दिन होते हैं तब तो कोई किसी की जरूरत नहीं है, परंतु जब कठिनाई के दिन होते हैं, ऐसे समय में जब अपन हाथ बढ़ाते हैं तो लोग फिर अपने को भी याद करते हैं. तो मेरा ये मानना है कि अभी ये कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ 75 लाख रुपए तक तो था और इसको आगे बढ़ाने का भी प्रस्ताव 1 करोड़ का हो गया, पर ना 1.5 करोड़ की जो बात अपन कर रहे हैं वहां तक ले जाने की आशंका है अनाउंस्ड. दिस इज वेरी वेरी गुड, बिकॉज 1.5 करोड़ तक वो जब पहुंच जाती है तो मैं समझती हूं कि बहुत सारे लोगों को जो कठिनाइयां हो रही थी वो कठिनाइयां अब दूर हो जाएंगी. सर्विस प्रोवाइडर्स में जिसमें आपने ये तय किया था कि जो चिन्हित हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं और जिनके एग्रीगेट टर्नओवर अब आपने जिनको चिन्हित कर दिया है, उन चिन्हित वालों को आपने 20 लाख तक रिलीफ देने का काम कर दिया है. और मैं समझती हूँ कि उनके इंटरस्टेट स्टेट जो टैक्स हैं उनके अंदर भी आपने उनको लाभान्वित किया है. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड आई थिंक दैट दिस स्टेप शुड बेसिकली help reduce this compliance जो cost होती है for dealers in handicrafts and others, जिनको जो small service providers हैं उनको भी मैं समझती हूँ को राहत मिलेगी. Central government ने जो small business को quarterly returns करने का जो काम किया है वो भी एक अपने आप में एक अनूठा कदम है, क्योंकि every month की जो इनको problem होती वो अब
every fourth month mein hai. So that makes a lot of difference to those small people jinko mane bade aadmi ke paas to bahut sara kaam bahut sare log hain to wo sab aaram se wo kaam kar bhi sakte hain parantu small ke liye bahut mushkil ho jati hai kyunki wo kaam sab apna hi karta hai. So all of those have been a very very good idea and I think that this makes a inko rahat aapne dene ki bahut koshish ki hai. Jahan tak Rajasthan sarkar ki baat hai wahan RIPS ke andar हमने बीमारू औद्योगिक जो औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए रिप्स 2014 के बेचान के भूमि के बेचान पर स्टैंप ड्यूटी में 50% की छूट दे दी गई है. एंड इसी तरीके से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन का स्कीम 2015 है उसके अंदर भी एग्जेम्पशन ऑफ स्टैंप ड्यूटीज इन ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स एक्सेट्रा वी हैव अलाउड a rebate in the registration duty. Now all this VAT, entertainment tax, luxury tax, etc., etc., has all been subsumed GST ke andar. So certain difficulties there are happening, I believe, in availing of the incentives, jo jisko kehte hain protsahan rashi, under the RIPS they have come up. And maine un finance department ke logon ko bol diya hai ki iske andar uchit sanshodhan karne ke liye अपने को सब लोगों से बातचीत करके खुद ही इसकी समीक्षा करें और जितने जल्दी हो सके वहाँ आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर लें. थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी ये सब बैठे हुए हैं, चुनाव अभी चल रहा है, तो जितने फ्रीली बात कर सकते थे हमको उसको भी वॉच कर करके बोलने की ज़रूरत है. MSME सेक्टर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है और मैं ये बिलीव करती हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ इज सर्टेनली मोर इम्पोर्टेंट देन क्वालिफिकेशन. तो हमारा मानना है कि उनको रोजगार के योग्य बनाने की हमको पूरी कोशिश करनी है और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लार्ज स्केल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पूरे राजस्थान के अंदर चालू कर रखे हैं. और मुझे खुशी है आपको सबको बताते हुए कि 2 साल क्या 3 साल हो गए अपने लगातार इसमें स्किल डेवलपमेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीतते हुए. अब वी आर द ओनली स्टेट विद 2 स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज, एक प्राइवेट एंड एक गवर्नमेंट. गुजरात में है पर हमारे यहां 2 हैं, 1 इन प्राइवेट 1 इन पब्लिक. तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये काम अब शुरू हो गया है, फर्स्ट बैच चल रहे हैं. मैं समझती हूं कि नेक्स्ट 3 या 4 ईयर्स के अंदर आपको कई लोग स्किल्ड यहां मिल जाएंगे जो फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, जो अपने यूनिट्स यहां लगा रहे हैं. उनको दूर जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि स्किलिंग हमारे बच्चों की हमारे राजस्थान के अंदर ही हम करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर कि विभिन्न क्षेत्र के अंदर मैन पावर हमको अब उपलब्ध हो जाएगा. अभी इन जून लास्ट ईयर चीफ मिनिस्टर स्किल सब्सिडी स्कीम के अंदर हम लोगों ने लोन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अप टू 2 लाख which are eligible for stamp duty rebates, ये हम लोगों ने अनाउंस किए हैं. मुझे आप लोगों को ये कहते हुए और खुशी है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, स्वरोजगार के अवसर, वो हमारे लिए प्रायोरिटी थे और भामाशाह रोजगार सृजन योजना 2015 को हमने इसको ध्यान में रखते हुए फॉर्मुलेट किया था. इसके अंदर हमने जो लोन सीलिंग थी वो 10 लाख से लेकर 25 लाख तक बढ़ा दिया है एंड इंटरेस्ट सब्सिडी जो 4% थी उसको 8% कर दिया है. मैं चाहती हूं कि सब यंगस्टर्स इसका फुल यूज करें, प्लीज करो, बिकॉज ये आप ही के लिए है. कुछ मैंने अनाउंसमेंट्स किए थे ड्यूरिंग द एमएसएमई डे. एक तो ये डीम कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जिसके बारे में तारा जी अभी आपको बता रहे थे, उसके बाद गेटिंग रिड ऑफ टाउन प्लानिंग के लैंड कन्वर्जन के अंदर उसकी ओपिनियन को हटाने की बात थी. तो पूर्व में जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 500 स्क्वायर मीटर की बड़ी भूमि का जो औद्योगिक प्रयोजन हेतु रूपांतरण के लिए टाउन प्लानर की अनुमति की आवश्यकता थी, ये बार बार मेरे को कहते थे कि आवश्यकता की क्या जरूरत है. इसका हमने अध्ययन किया है और हम इसकी बाध्यता को हम लोगों ने खत्म कर दिया है. तो मैं समझती हूँ कि स्मॉल इंडस्ट्री को उसका फायदा मिलेगा. देन एक वर्तमान में जो चल रही है एसएमई की जो इकाइयां हैं जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विशेष छूट योजना का लाभ नहीं ले सकती थी, बार बार हमें बताती थी,
ऐसी इकाइयों के लिए सीमित समय अवधि के लिए एक नई छूट योजना शीघ्र ही हम लोग लाने के उसमें है। मैं समझती हूँ कि इसका फायदा आप लोग फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए आप उसको लेने की कोशिश करें। देन एमएसएमई पखवाड़ा पांडा जी बता रहे थे उसके बारे में। मैं अभी डायरेक्टर साहब ने मेरे को अभी किताब दी है, वो आपको भी दिखाई होगी। सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एमएसएमई पखवाड़ा सेलिब्रेट किया गया है और मैं समझती हूँ कि पहली दफा ये हो रहा है और इसका फायदा हम लोगों को सबको मिलेगा, ये मैं विश्वास करती हूँ। इसी तरीके से मैंने यहाँ और पता करने की कोशिश की कि हम लोगों ने बाय सेलर मीट ये अनाउंस किए थे कि 8 हम और करने जाएंगे, तो अभी नवंबर 17 को एक अजमेर में हो चुका है, जयपुर के अंदर दिसंबर 17 को हो चुका है, यहाँ भी आपके बाय सेलर मीट चल रहा है और जो अब प्लान्ड हैं वो जोधपुर के अंदर जनवरी 8th-9th में है, बीकानेर जनवरी 15th-16th, उदयपुर फरवरी में है, भिवाड़ी फरवरी में है और भीलवाड़ा मार्च के अंदर है। मैं समझती हूँ कि 8 बायर सेलर्स मीट, और मेरा ये कहना है कि इसको रेगुलरली अपने को करने की जरूरत है। आप पखवाड़ा रख रहे हो, रखिए तो मैंने 7 आपके डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, हर डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर आपने पखवाड़ा एक जगह मना लिया, 2-3 दिन मैंने 6 जो बच जाते हैं वहां भी आप करवा दीजिए ताकि जो लोग मिस हो गए हैं, नॉट ऑन दैट डे बट जो मिस हो गए हैं वो भी आ सकते हैं और उन लोगों को भी आप फायदा दे सकते हो। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको भी देखें। अब 17 सितंबर को रिको कैंप्स ऑर्गेनाइज करने की, ये एमएसएमई कैंप्स 17 सितंबर को होंगे, 23rd ऑफ अक्टूबर से 29th ऑफ अक्टूबर तक इस दिसंबर 2017 के अंदर, माने 17 के अंदर अपन ने किए हैं ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज। एमडी रिको के जो पावर्स हैं वो डेलीगेट कर दिए गए हैं यूनिट हेड्स को 3 काम के लिए, टाइम एक्सटेंशन केसेस फॉर पेमेंट, टाइम एक्सटेंशन केसेस फॉर प्लॉट यूटिलाइजेशन, उस पर भी बहुत अटकते हैं लोग, और स्ट्रिप ऑफ लैंड अलॉटमेंट उसके ऊपर भी। ये 3 चीज ऐसी हैं जिसके ऊपर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो ऊपर भागने की जरूरत नहीं है, वहीं नीचे आपको जो यूनिट हेड्स हैं उन लोगों को आपको मदद करने के लिए दिया गया है। अभी तक जो टोटल एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं करीबन 1840 हैं, जो काम हो चुका है वो 1681 है, जो अभी रिजेक्टेड है करीबन 67 है, पेंडिंग कुछ 90 है, और इसको तो हेड ऑफिस में लाना पड़ेगा, कुछ ऐसी इश्यूज हैं उसमें। तो मैं सोचती हूँ कि जनरली आउट ऑफ 1800 को अपन ने कंप्लीट कर दिया है सक्सेसफुली, दैट अलोन स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर द इंटरेस्ट हमारी सरकार रखती है हमारे एमएसएमई में। हमारे यहाँ भी स्मॉल इंडस्ट्रीज की फर्स्ट टाइम एक सेपरेट एमएसएमई डिपार्टमेंट बना है, जैसे अपना दिल्ली के अंदर तब बना था। आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ बीइंग बोथ प्लेसेस, उधर भी और इधर भी, बट बिकॉज आई बिलीव दिस इज द डिपार्टमेंट दैट शुड टर्न नॉट ओनली द कंट्री बट द स्टेट अराउंड, इट मेक्स द डिफरेंस। अभी हम लोगों ने कई चीज़ें नई की हैं, एमएसएमई पॉलिसी 2015 आप लोग सबसे बात करके हमने उसको सबके सामने रखा है, एमएसएमई असिस्टेंस स्कीम 2015 की, रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन स्कीम फॉर सिक एमएसएमईज 2015 के अंदर, परचेस प्रेफरेंस फॉर एमएसएमई रूल्स के नोटिफिकेशन 2015 के अंदर हो चुके हैं, उद्योग रत्न स्कीम टू रिकग्नाइज एंड अवार्ड दोज पीपल हु आर गुड एमएसएमईज परफॉर्मिंग एस एमएसएमईज, भामाशाह रोजगार सृजन योजना जो मैंने आपको अभी बताया है, और एमएसएमई डे और फोर्टनाइट जो पखवाड़ा जो अपन कर रहे हैं, मैं समझती हूँ इससे काफी कुछ एक्टिविटी अपने को देखने को मिलेगी। अभी आईटी सेक्टर के अंदर हम लोगों ने करीबन 100 करोड़ रुपया अलग से रखा है, 690 स्टार्टअप्स उससे हुए हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, और वो जो हुए हैं मैं समझती हूँ कि जब इसका हमने आंकने की कोशिश की तो देखा कि इस देश के अंदर राजस्थान तीसरा मैंने पायदान पे आके खड़ा हुआ है इन दिस थिंग। अभी हम लोगों को बहुत कुछ काम करने की जरूरत है,
परंतु ये अच्छा काम शुरू हो गया है. लाइक यू हैव द लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स, लाइक दैट हमने हैकाथॉन्स शुरू किए हैं अपने राजस्थान के अंदर, और हैकाथॉन्स के अंदर जो जो जीतते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले जो जीतते हैं, वो उनको इंक्यूबेट करती है हमारी सरकार, और साथ में उनको ये भी कहती है कि गवर्नमेंट के साथ काम करने का आपको एक मौका मिलेगा, और मौका ही नहीं मिलेगा, आपको 1 करोड़ रुपया भी उसके साथ साथ दिया जाएगा. सो यू हैव अ स्कीम, वी हैव अ स्कीम. मैं समझती हूँ कि इन दोनों को मैरी अप करने की कोशिश करो राजीव जी, बिकॉज आप और कुंजीलाल जी इसको जो मैरी अप करो तो अपने को इसका मैंने अच्छा फायदा मिल जाएगा, बिकॉज सरकार गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी कर रही है टू सम एक्सटेंट आईटी एरिया में, और आप लोग भी कर रहे हो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स के अंदर. मैं समझती हूँ उसका फायदा हम कई लोगों को दे सकेंगे. ये तो मैं अब कुछ मेरा ध्यान लाया गया है, अभी आप लोग मेरे से बाहर मिले थे तो उन्होंने आपने कुछ चीजों के अंदर आपने ध्यान दिलाया. आपने कहा कि मार्बल ब्लॉक्स पर रॉयल्टी की दर 30% से अब घटाकर 10% कर दी गई. अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा है और मैं कहूंगी भी नहीं अभी. वही मार्बल खंडों पर आपने कहा है कि रॉयल्टी अभी भी 30% है, इज दैट राइट? देन आपने ये कहा है कि इसी प्रकार पाउडर उद्योग जिनमें मिक्सिंग की जाती है, इनमें भी आपकी समस्याएं हैं कि किस प्रोडक्ट के नाम से बिलिंग किया जाए, एम आई राइट? और इसके अतिरिक्त आपने कहा है कि ईवे बिल को संबंधित होने से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उससे भी आपने मुझे अवगत कराया है उस नोट में. तो इसमें तो मैं आप लोग को खाली इतना कह सकती हूँ आज, वी आर इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन, बट मैं आश्वस्त आपको ये करना चाहूंगी कि आपने जो मेरे को कागज दिया है उसको मैं स्टडी करेंगे और सहानुभूति पूर्वक उसको स्टडी करेंगे. एंड सहानुभूति तो आप जानते हैं कि हमारी है ही आप लोगों के साथ, तो इसलिए इसका निर्णय अपन लेंगे, ये सब खत्म हो जाए उसके बाद. और मैं समझती हूँ उसके पहले जिन जिन को हमारे लोगों के साथ बैठने की जरूरत है वो बैठें, और जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरह से समझाने का काम करें. वो पूरी तरह से आपकी बात को सुनेंगे एंड विद इन द मंथ होपफुली इसका सोल्यूशन भी कुछ आपके द्वारा निकल आएगा. हम आपको पूरी मदद करने के लिए वहां बैठे हैं. अब आपने मेरे को कुछ बताया, आपने कहा कि यहाँ कुछ चैलेंजेस अभी भी हमारे हैं. आपने कहा कि R&D इज वन बिग चैलेंज, चैलेंज ऑफ इम्पोर्ट्स. राजीव, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू पुट डाउन. फाइनेंस इज स्टिल अ प्रॉब्लम इवन दो वी हैव द क्रेडिट गारंटी स्कीम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द क्लस्टर डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस के बिना दे कैन नॉट सर्वाइव. सो दीज 4 or 5 थिंग्स हमने पॉलिसी अपनी निकाली है, इनकी एक ग्रुप बना दीजिए, लेट देयर बी अ वर्किंग ग्रुप. भाई साहब आपका अभी हाई पावर था है, एक वर्किंग ग्रुप आप निकाल के दे दीजिए, 4 people or 5 people जो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर बैठेंगे, सब लोगों से बातचीत करेंगे और आके हम लोगों के साथ बैठ के इन 5 चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे. अब वो कितने फास्ट करते हो, कितने फास्ट बैठते हो, मैं समझती हूँ कि यू शुड नॉट गो बियॉन्ड मार्च, क्योंकि अगर बियॉन्ड मार्च चले जाते हो तो वी लूज द ईयर. इसके ऊपर भी अपने को ध्यान देने की जरूरत है. आज मैं सबसे पहले उन लोगों को बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने 5 जनवरी के बूट कैंप के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें 5 मेंटर्स ने 10 स्टार्टअप्स फॉर द फाइनल राउंड ऑफ प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर किया, और उसमें से इशिता गुप्ता एंड योगेश अग्रवाल, डॉक्टर शशि रंजन एंड देबायन साहा एंड डॉक्टर अरविंद अग्रवाल एंड पीयूष शर्मा एंड मिस्टर सार्थक शर्मा वर द विनर्स. आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू ऑन अ जॉब वेरी वेल डन एंड आई एम श्योर दैट दोज थिंग्स दैट यू हैव स्टार्टेड आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू आवर लाइव्स हियर इन राजस्थान. उसके साथ साथ जितेंद्र जी ने कुछ बातें रखी थी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 33 डिस्ट्रिक्ट्स
के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर को बढ़ाने का काम बहुत जरूरी है। 33 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपन करें, इसको बैठ के करें। आपने ये कहा है, और मेरे को फिगर्स चाहिए राजीव, इसके बारे में अपने को बात करने की जरूरत है कि गो बैक इन द 90s व्हाट वाज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, इन 2000 व्हाट इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, एंड इन दिस डेकेड नाउ 2018 व्हाट इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन राजस्थान, बिकॉज देन दैट दोज ऑल दोज थिंग्स नीड करेक्शन। उसमें क्या चीजें थी जिसकी वजह से हम लोग पुल डाउन हुए, और किस चीज को थोड़ा सा धक्का अगर हम देंगे तो उसकी वजह से ये अच्छी तरह से राइज हो जाएगा। मेरा एक सुझाव है आप लोगों को राजस्थान के अंदर करने का, जिस तरीके से टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर ईस्ट जोन वेस्ट जोन राजस्थान के अंदर है, ऐसे चार जोन भी अपने को बना के और कॉन्सेंट्रेट अगर अपन करें उधर, तो मैं समझती हूँ उसका भी फायदा हो जाएगा। या आप उसको 7 डिविजन्स के अंदर कर सकते हो, दैट मेक्स इट ऑल्सो ईजी, उसको भी अपन देख लें। पांडा जी, आई जस्ट लाइक टू से, आपने बताया कि आपके बहुत सारे अपग्रेड्स हो रहे हैं, और आपने ये भी कह दिया, क्योंकि आपको मालूम था कि मैं कहने वाली हूँ, आई वॉज केयरफुली लिसनिंग टू, कि आपके टूल रूम्स और आपने सब अपग्रेड वगैरह करवाए हैं। मेरा आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि वो 18 टूल रूम्स हैं, आई थिंक कि अब आप बढ़ा ही रहे हो उन लोगों को, हाँ, तो अब उन लोग उनमें से प्लीज राजस्थान को भी अपार्ट फ्रॉम भिवाड़ी आप देने का काम करें, क्योंकि राजस्थान इज एन एरिया जहां क्लस्टर डेवलपमेंट एंड ऑल दीज आर अ वे ऑफ लाइफ। सो अगर टूल रूम हो जाता है तो मैं समझती हूँ उसका फायदा हमको मिलेगा। भिवाड़ी वाला टूल रूम भी आई जस्ट गोइंग टू से टू देम इज गोइंग अ बिट स्लो, वी नीड टू पुश इट। द थर्ड थिंग मेरे को आपके ध्यान में लाना है कि नागौर के अंदर, और ये नागौर वाले तो बोलते नहीं है, वैसे अध्यक्ष बहना बैठे हैं, और मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि आपके नागौर के अंदर भी हैंड टूल्स का सेक्टर है जिसको बचा बचा के अपन यहां तक लाए हैं। एक दफा आप लोग एक प्रोग्राम बनाएं, जिस प्रोग्राम में आप सेक्रेटरी एमएसएमई को इनवाइट करें और उनको दिखाएं कि क्या वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का हैंड टूल्स बनाया जा रहा है बाय दैट स्मॉल सेक्टर, और व्हाई इट इज नेसेसरी कि हम उन लोगों को थोड़ा सा मदद करें, ताकि जिस चीज के ऊपर राजस्थान को लोग हमेशा याद करते हैं, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, जब वो अपने भाषण वगैरह देते हैं, तो दे विल टॉक अबाउट द हैंड टूल्स सेटअप इन राजस्थान, इट्स फेमस। आप इनवाइट करो सर, हाँ, ले जाओ, दिखाओ और बताओ कि कैसे कैसे छोटे छोटे काम वहां नागौर के अंदर हो रहे हैं, और वो छोटी इंडस्ट्री तो मजा जब है जब छोटी हमेशा जिंदगी भी भर नहीं रहती, वो जैसे कॉलेज के अंदर झोला वाला होता है ना, वो सालों तक वो झोला टांगे झोला वाला रहता है, तो हम तो चाह रहे हैं कि वो झोला वाला कुछ दिन तक रहे, पर उसके बाद वो आगे बढ़ता जाए। आखिर में हमें ये देखना है कि मीडियम हो, मीडियम से फिर लार्ज इंडस्ट्री बने, कुछ अपने पास ये भी बैठे हुए हैं जो अभी भी घेरे स्पेस घेरे बैठे हैं, परंतु हाँ, अब वो आइकन है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही, आइकन है इसलिए कुछ नहीं कह रही, परंतु मैं ये कह रही हूं कि उस आइकन जैसे और भी जो बैठे हुए हैं उनको सबको होने की जरूरत है, तब तो बात बनती है। उसके बाद सर, हम लोगों ने जब स्मॉल इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री थी, मैं बार बार इस चीज को रेज करती हूं, मैं पांडा जी आपके सामने भी कहूंगी कि अजमेर के अंदर, अजमेर यूनिवर्सिटी के अंदर हमने एक स्मॉल इंडस्ट्रीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक सेल बनाया, एंड ऑन पेमेंट टुडे, उस समय गवर्नमेंट ने हमको 1 करोड़ रुपए दिए थे, मैंने दिए थे, बिकॉज आई वॉज द मिनिस्टर, मैंने 1 करोड़ रुपए दिए थे उनको, और आज उनके पास 60 करोड़, नहीं मुझे लगता है, हाँ 60 या 40 करोड़ रुपए उनके किटी में हैं, एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्यूटिफुली रन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ छोटे, माने 3 किस्म के लोग हैं, जो साइंस कर रहे हैं वो, जो कॉमर्स कर रहे हैं या आर्ट्स कर रहे हैं वो, एंड जो वो मानते हैं कि भाई हम इसमें नहीं फिट होंगे, उस पर भी नहीं फिट होंगे, हम तो सेल्फ एम्प्लॉय अपने आप को करना चाहते हैं।
तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले बाहर निकल के उस सेल के थ्रू निकल के जाते हैं वेयर दे आर टॉट हाउ टू वर्क विथ क्रेडिट एंड हाउ टू डील मेक स्मॉल प्लान्स, माने 2 लाख से लेके 10 लाख टू 15 लाख के प्लान्स छोटे छोटे बनाए एंड मेनी ऑफ देम हैव गॉन आउट ऑफ देयर एंड बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड. अब हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी से हमारी बात हुई है प्रकाश जी, और आई फॉरगेट एक और यूनिवर्सिटी के साथ हमारी बात हुई है. हमने कहा उनको कि भाई आप अपनी किटी से 1 करोड़ रुपए डाल दीजिए, नहीं तो सरकार आपकी मदद करेगी इसके अंदर, क्योंकि मैं मानती हूं कि ये एक ऐसी चीज है जो पे तो करेगा ही करेगा यूनिवर्सिटी को, पर उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों को अपने पैर पे खड़ा करने का काम कर देगा. आजकल की दुनिया के अंदर प्रॉब्लम है एक छोटी सी, और मैं जानती हूं कि ये आप लोगों के सामने रखना जरूरी भी है, क्योंकि यहां ऐसे भी लोग हैं जो इन चीजों को मेरे साथ बैठ के सॉल्व करेंगे. सबको लगता है कि रोजगार का मतलब यह है सरकारी रोजगार. नो, इट्स नॉट सरकारी रोजगार, पर सरकार अब बहुत छोटी होती जा रही है. आपको मालूम है कि मंत्री अपने उसमें 200 सीट के ऊपर 30 से ज्यादा नहीं हो सकते. देयर आर ओनली 30 से ज्यादा क्या आपके डिपार्टमेंट्स होंगे. मैं ये समझती हूं कि अब जरूरी हो गया कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉय करने की मानी ताकत अपने को देनी है, क्योंकि पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, और जब यूथ पढ़ लिख के सड़क पे आ जाता है और इरिटेट होता है तो स्टेट के अंदर शांति नहीं हो सकती. और इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए और विकसित होने के लिए हमें एक शांतिपूर्ण वातावरण की जरूरत है. वो शांतिपूर्ण वातावरण को देख के कितने लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उसको देख के लोग यहां इन्वेस्टमेंट करने आते हैं. आप लोग सब बैठे हो, आप ही जानते हो, आप लोग सब यही चाहते हो कि इट हैज टू बी शांतपूर्ण सिचुएशन जिसके अंदर आपकी इंडस्ट्री फिर पनपेगी. तब इसको करना है तो हमको ये बताना है. हाँ ठीक है, जो जो लोग रिटायर होके जा रहे हैं ऐसे 1.5-2 लाख लोग तो एवरी ईयर सरकार लेगी लेगी, परंतु जो इतना बड़ा वर्कफोर्स है जिसको स्किलिंग अपन कर रहे हैं, जिसको यूनिवर्सिटीज के थ्रू उन सेल्स के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्स के से निकाल रहे हैं, ये जरूरी है उनको कि वो अपने पैर पे खड़े हो जाएं और अपने आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ने की कोशिश करें. हम क्यों सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे में इतनी ताकत है. और राजस्थान के लोगों के अंदर तो है, मुझे मालूम है कहां कहां ऐसी ऐसी जगहों में जाके इंडस्ट्रीज खड़ी की है जहां कोई सोच ही नहीं सकता है. कितने सारे हैं हमारे लोग गए हैं, एक दमड़ी नहीं थी जेब के अंदर चले गए 4 कुर्ते लेके और जाके जहां इंडस्ट्री से वापस लौट के आए तो एक बिजनेस टाइकून, अपने हिसाब से बिजनेस टाइकून के रूप में वापस लौटे. तो मेरा ये कहना, जब ऐसे लोग अपने सामने बैठे हैं तो अपने सामर्थ्य को यूज करने की जरूरत है. प्लीज अपने को किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, और ये ही एक ऐसा एरिया है जिसमें हम अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, भले ही छोटे लेवल पे हो क्यों ना हो, पर वहीं से तो शुरुआत करेंगे. मैंने किसी को नहीं कहा कि 100 करोड़ की इंडस्ट्री अपने को खड़ी करनी है, पर 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख कर सकते हैं. छोटे लोन्स, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो हमें मुद्रा का एक बहुत बड़ा एक फैसिलिटी दी है, उसको लेने की जरूरत है. हम लोग भी दे रहे हैं, उसको लो प्लीज यूज करो. और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हु मेड दिस फिल्म, वेल डन लघु उद्योग भारती, बिकॉज आप तो एक कदम 21वीं सदी में चल चुके हो. एक्सेलेंट फिल्म जो आप लोगों ने किया, आई हैव टू कंग्रेचुलेट द टीम, आई हैव टू कंग्रेचुलेट दिस यंग टीम. एंड मेरे को खाली एक प्रश्न आपसे अब पूछना है कि आप लोग मैंने चल पड़े हो, बड़े मॉडर्न बन गए हो, इतना अच्छा फिल्म आप लोगों ने बना लिया है, सोशल मीडिया का क्या है? अपन अपनी खुद की पीठ थपथपा रहे हैं कि नहीं, मैं कह रही हूँ लघु उद्योग अपनी खुद की पीठ थपथपा रहा है कि एक्चुअल में है ये? नहीं, अब एवरी 33 डिस्ट्रिक्ट्स में आप कह दीजिए कि अध्यक्ष तो वही रहेगा, अगर उसने 10,000 वहां के लोगों को नहीं जोड़ा तो काय का अध्यक्ष है भाई. हाँ भाई साहब बताओ, आजकल की दुनिया में विदाउट सोशल मीडिया कुछ नहीं होना है. लघु उद्योग का भी अपने को यही काम करना है. आज पूर्णिमा, आई एम श्योर यू विल से,
Because laghu udyog ke baare mein jankari nahi hai, so you have to have Facebook, blogs, you have to have social media. Agar aapke social media ko dekh ke log kahenge, are yaar, Rajasthan mein ye sab ho raha hai, to usme thoda sa hamara bhi naam ho jayega. Hum itna hi keh rahe hain ki aap ek condition dal dijiye ki tum laghu udyog ke adhyaksh tab ho jab tumhare 10,000 ka account ek ban jaye, to hame malum padega ki haan, is kshetra ke andar laghu udyog jut gaya hai. It's a challenge, my sir. Can you people take it? Can you people take it? Main aapko no fair. I'm talking aapka jo yahan vyakti sabne aapne haath laga upar karke aur yahan sab aa gaye hain jo jo districts yahan represented hain, main khali ye puch rahi hu un representative se ki kya aap 10,000 ko itna nahi kar sakte, to chhota sa kaam hai. Only 10,000. Yes or no? Yes, can we do it? So we need to do it. This is a very, very important thing. And main aaj aap logon ko phir, bhai sahab, thank you. Aapne hamesha mere ko yaad dilate rehte ho mere roots ki. Yahan se tumhari shuruaat hui hai, yaad rakho. Every year mere ko aap yaad dila dete ho. And thank you for that. Because ye hai ek passion. और इसको मैं समझती हूँ कि अगर अपन बढ़ा सकते हैं तो कितने सारे लोगों का फायदा होगा, नॉट जस्ट लघु उद्योग भारती बट थाउजेंड्स लैक्स ऑफ पीपल. सो कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू ऑल. आप लोग सब आए, और उन डिस्ट्रिक्ट्स को जरा याद दिला देना जो नहीं आए कि मैंने पूछा था कि, और आपके नाम आ गया भाई साहब. अपने यहाँ तो कह दो, कहना पड़ेगा मेरे को, तो कहना पड़ेगा वहाँ कि भैया यार तुम हमें नाक नीचे क्यों कर देते हो सबके सामने. थैंक यू अगेन फॉर एवरीथिंग, इट वाज अ रियल प्लेजर आप लोगों के साथ यहाँ रहना. थैंक यू.